हेलो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगा सफेद मटर का रगड़ा चाट। दोस्तों, ये ऐसा चाट है जिसे एक बार खाओगे तो कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि ये रगड़ा चाट का फ्लेवर ही कुछ अलग है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा दो, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके मोबाइल में जाएगा। और हाँ, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज, हिंदी कुकिंग बिहार में आपका स्वागत है। ये चाट को बनाने के लिए 200 ग्राम व्हाइट मटर ले लिया है। अब ये सफेद मटर को पानी में अच्छी तरीके से डुबो के रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से फूल जाए। तो ये देखिए दोस्तों, 12 घंटों के बाद मटर जो है फूल करके रेडी हो गया है। मटर को फूल जाने के बाद इसको बॉयल कर लेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है ताकि बॉयल होने में कोई परेशानी ना हो। तो अब देखिए दोस्तों, मटर जो है बॉयल हो गया है। ये चाट को बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिया है, सभी को बॉयल कर दें। मैंने 4 प्याज लिया है, सभी को बारीकी से काट लेंगे। दोस्तों, ये रगड़ा चाट को बनाने के लिए प्याज का रहना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए प्याज को मैं काट लेता हूँ। प्याज को काट लेने के बाद इसके अलावा भी बहुत सारा आइटम होता है, उसे भी काट लेना जरूरी होता है। तो ये देखिए, मैंने हरा मिर्च को लिया है, इसे भी मैं काट लेता हूँ बारीकी से। हरी मिर्च को काटने के बाद हरा धनिया का लूंगा, जो कि इसे भी बारीकी से काट लेना है। हरा धनिया को कट जाने के बाद मैंने चुकंदर लिया है, इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, क्योंकि चाट के ऊपर सजावट के रूप में बहुत ही जरूरी होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने चुकंदर को भी काटना शुरू कर दिया और इसे काट भी लिया। अब मैं एक पीस टमाटर लिया है, इसे भी बारीकी से काट लेना है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सभी को बारीकी से दिखा देते हैं। ये है प्याज और ये है देखिए हरा धनिया का पत्ता और ये है हरी मिर्च और ये है चुकंदर और ये है लाल टमाटर और ये है पिसा हुआ अदरक। दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें थोड़ा सा सरसों बॉयल डाला है। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डाला है और इसमें आधी छोटी चम्मच हरा मिर्च और ये है प्याज कटा हुआ। इन सभी को 2 मिनट तक लो फ्लेम पर भूंजे। थोड़ा सा प्याज को गलने दे, उसके बाद इस प्याज में थोड़ा सा नमक डालेंगे। तो ये देखिए, मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे मिक्स करूंगा। ज्यादा नमक नहीं ऐड करना है, क्योंकि पहले भी मैंने नमक डाला था मटर में। अब मैं इसमें आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर और सभी को मिक्स करना है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आधी छोटी चम्मच मैंने अदरक डाला है, जो मैंने पहले ही पीस दिया था। दोस्तों, अदरक डालने से बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वाद आता है। मसाला को जलने से बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अच्छी तरीके से चला रहा हूँ। तो ये रहा मेरा मसाला, जो बन करके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगा बॉइल किया हुआ मटर। मटर डालने के बाद मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें पानी डालना है, जो कि लगभग मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से उबाल आने देना है, तब तक मैं इसमें धनिया डाल देता हूँ। और ये देखिए, उबाल आ गया है, तो मैंने इसमें गरम मसाला डाला हूँ। इसके जगह पर आप कोई भी सा मसाला यूज कर सकते हैं। अब मैंने 4 आलू लिया है, जिसे पहले ही बॉइल कर लिया था। अब मैं इसे बारीकी से तोड़ लेना है आलू को। आलू को तोड़ लेने के बाद जो बॉइल हो रहा था मसाला, उसमें आलू को डाल देना है। तो ये देखिए दोस्तों, मटर का मसाला भी रेडी है और मेरा आलू भी रेडी है। तो अब ये आलू को तोड़ लिया था, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। डाल देने के बाद अच्छी तरीके से इसमें उबाल लाना है। तो ये देखिए दोस्तों, आलू जो है मटर में मिक्स हो गया है और बॉइल भी आ गया है। तो अब मैं एक समोसा लेता हूँ और चाट बनाना शुरू करता हूँ। तो मैं बिना समोसा वाला भी चाट बनाऊंगा। तो सबसे पहले बिना समोसा वाला चाट बनाता हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक कटोरी लिया है, जो कि चाट वाला है, और इसमें मैं मसाला मटर चाट इसमें डालता हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक प्लेट निकाला और थोड़ा सा मैं पानी डाल रहा हूँ, क्योंकि ये सूख रहा था। तो अब मैं समोसा वाला चाट बना रहा हूँ। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा रगड़ा चाट को इसमें डाला हूँ। इसी का नाम है रगड़ा चाट, जो कि प्याज व्याज डाल के ग्रेवी जो बनाता है ना,
इसी का नाम है रगड़ा चाट। तो दोस्तों मैंने दो प्रकार की चाट बनाया हूँ, एक समोसा वाला एक बिना समोसा वाला। अब ये चाट में डाले जाने वाला मसाला है, ये है काला नमक और ये है लाल मिर्च पाउडर और ये है धनिया का पाउडर और ये है जीरा पाउडर और ये है इमली और ये है दही। तो देखिए दो प्रकार की चाट है, इसमें काला नमक को मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ, जितना भी मसाला है सारे को बारी बारी से थोड़ा थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि मैंने पहले भी डाल दिया था इसमें मसाला, तो थोड़ा थोड़ा मसाला इसमें ऐड करना है। तो ये रहा इमली का पानी जो कि मैंने थोड़ा सा डाला हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा दही डालूँगा, चाहे तो आप दही को नहीं भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें दही को डाल दिया हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा धनिया का पत्ता डालूँगा, तो ये देखिए मैंने धनिया का पत्ता भी डाल रहा हूँ। अब मैं इसमें डालूँगा हरा मिर्च और हरा मिर्च को डाल देने के बाद इसमें डालूँगा मैं टमाटर जो कि मैंने पहले ही बारीकी से काट लिया था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद इसमें चुकंदर डालूँगा, चुकंदर से डालने के बाद इसमें फ्लेवर चेंज होता है और खाने का स्वाद भी चेंज होता है और सुंदरता भी चेंज हो जाता है। तो ये देखिए मैंने चुकंदर को भी मैंने ऐड किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अभी नहीं, अभी ये मीठा चटनी है जो कि इमली का बनाया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जिसके द्वारा आप बना सकते हैं। ये है सेव जो कि इसके जगह पर आप भुजिया को भी डाल सकते हैं, जो कि पैकेट वाला जो भुजिया होता है ना उसको भी आप डाल करके स्वाद में चेंज ला सकते हैं। तो ये चाट बन करके रेडी हो गया, नहीं अभी और बाकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगा प्याज जो कि प्याज डालने से बहुत ही ज़्यादा स्वाद में चेंज आता है और इस प्रकार की चाट को रगड़ा चाट ही कहा जाता है और इसे खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और खाने में मस्त लगता है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगर हमसे कोई भी सवाल पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और वहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।